पवित्र ज्ञान ध्यान की साधना द्वारा जो चैतन्य के नंदन वन में विहार कर रहे हैं, वह दिन आराधक ज्ञानी धर्मात्मा की आराधना चैतन्य मस्ती से भरपूर दैनिक क्रिया दिनचर्या। महाविभूतियों की दिनचर्या भव्य जीवों के लिए वास्तव में ही पुरुषार्थ प्रेरक है। इसे भले हम दिनचर्या कहें, परंतु यह तो है आत्मा की विधि। महापुरुष तो चलते फिरते, खाते या पीते, जागते या सोते या स्वप्न में हर समय जागृत ही होते हैं। मंगलम साहू मंगलम केवड़ी बनतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवड़ी बनतो धमो लोगुतमा चत्तारी शरणम पहुजामे अरिहंता शरणम पहुजामे सिद्धा शरणम पहुजामे साहू शरणम पहुजामे केवड़ी बनतो धमो शरणम पहुजामे चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भाव सागर थी तरे ते सकल कर्म नो अणेअंत मोक्ष तणा सुखले अनंत भाव धरी ने जे गुण गाए ते जीव तरी ने मुक्ति जाए संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाए मनवांछित फलदाता। ध्यान सवेरे 5 से 6 ज्ञायक में स्थिर होना वह ध्यान है। साधक ज्ञानी के दिन का प्रारंभ ध्यान से होता है। आत्मस्मरण के साथ विकल्प आवे तो देव गुरु के स्मरण आते हैं और मैं परमात्मा हूं ऐसी भनकार रणकार होती है। प्रभु दर्शन 6 से 6:30 आत्मा की साधना साधते साधते प्रातःकाल जिन मंदिर में मंगलकारी जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन करने अर्घ्य चढ़ाने का आप श्री का भव्य क्रम है। शारीरिक कार्य सवेरे 6:30 से 7:30 शारीरिक क्रिया चाहे जो क्रिया करते हों तब परिणति निर्लेप रहकर समय साराधि परमागमों को गाथा रूप से भाव रूप से पारायण का नित्य क्रम है। शास्त्रों का चिंतवन चलता है। सब पुनरावर्तन है। प्रत्येक कार्य में स्वरूप में लीन हो जाना यही उनका जीवन है। जिन मंदिर में पूजन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन श्रवण सवेरे 7:30 से 9 पूज्य माता जी जिनेन्द्र देव की अत्यंत भक्तिभाव से पूजन कर रही हैं। इस काल में भक्ति ज्ञान की आपकी साधना सर्वोत्कृष्ट है। भरत क्षेत्र में आप तो आराधना की देवी हैं।
जिनके रोम रोम में ज्ञायक देव की परम भावना प्रवर्तती है और गुरुदेव की आराधना में आपका जीवन गुंथ गया है। भविष्यत धात की केरे विदेही दिनयति प्यारे सुगुण निधि ज्ञान युज जारे करो भव पार प्रभु मेरे। अंतर की एकाग्रता से श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी में से प्रवाहित द्वादशांगी बोध आत्मसात करके भव से पार उतर गए। किसने? शुभ शुभ ने शुद्ध ये परिणाम थोड़ा जगत छे ये वो वस्तु नो स्वभाव छे। आ अनंता तीर्थंकर ये कहेली बात छे छे मा બેન તો તીર્થંકર પાસે હતા, મહાવીદેહમાં સ્મિત ભગવાન બિરાજે છે એની પાસે હતા, અમારી હરિ હતા ત્યાં। એમ કે છે કે જો આ પરિણામનું ફળ આવું ન આવે તો અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી વાત છૂટી પડે। આ વાત અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી છે કે જે પાપના પરિણામ કરે તો એને નરક નિગોદ મળે, પુણ્યના પરિણામ કરે તો સ્વર્ગ આદિ મળે અને પછી ભલે રખડે ચાર ગતિમાં, અને ચૈતન્યના પરિણામ કરે તો એને મુક્તિ મળે, એ અનંતા તીર્થંકરોએ આ વાત કહી છે। જૈન મંદિર મેં ચિંતન પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કો આહાર દાન સવેરે 9 से 10। पूज्य गुरुदेव श्री की अमृत झरती वाणी सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होने से संतृप्त होकर जिन मंदिर में एकांत के समय में ज्ञान ध्यान में डूबे हुए पूज्य माता जी। सवेरे 10 से 11 श्रुत के चिंतवन के बाद ध्यान में लीन होते हैं और स्वरूप मंदिर में समा जाते हैं। आहार विहार सवेरे 11 से 12। भोजन के बाद अकेले असंगी रूप से चैतन्य की मस्ती में मस्त, तब उनकी चाल अलग, परिणति अलग, दशा अलग, नित्य आनंद अमृत का भोजन करती हैं। कैसी है यह देहातीत दशा?
स्वाध्याय संस्मरण दोपहर 12 से 1। शास्त्र स्वाध्याय में लीन होती हैं, शुद्ध के अवलोकन में निज चैतन्य को निहारती हैं, अंग अंग में शुद्धात्मा के ही दर्शन होते हैं। वैरागी आत्मार्थ पोषक आपके अमूल्य वचनामृत हे भगवती माता हमारे जीवन में शाश्वत प्रकाशित रहो। एकांत में शांत चित्त से यात्रा और प्रतिष्ठा के प्रसंग स्मरण पट पर अंकित होते हैं। तत्व चर्चा दोपहर 1 से 3। तेल मेरा कर दे ना आगल छवाय तो पण छोड़ी से नहीं मुंजे बो मुंजे जे तो छोड़ी देवाय ए मुंजाऊ नहीं यहां ने भले यहां ने अटक तो यहां ने रहतो होय पण यहां ने वारंवार नायक ने मारने तेल मेरा कर दे तो क्या एक आगल जवानो खास रहसे। आनंद स्वरूप भगवान पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन श्रवण दोपहर 3 से 4। दशा जेने संसारना पापना परिणाम तो जेने न होय पण जेने पुण्यना परिणाम पण जेने रुचि अंदर मा न होय जेने पापना परिणाम तीव्र छे एने तो सांभळवामां पण एने અંતર ન રૂચે એવી ચીજ છે ભગવાન। ભક્તિ દોપહેર 4 से 5। વીર નંદ કે ત્રિભુવન નો ધણી જે ગુરુદેવરે મંગળ દિન આજે યુગો રે नांदी विधान सायं 5 से 6। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विचरण आहार सायं 6 से 7। सायं एकांत में विहरते हों तब अंदर में अनेक प्रकार की धुन चलती है निज स्वरूप के आनंद की है। अंतर की अनुभूति में आनंद रस का फव्वारा उछलता है आनंद सागर में डुबकी लगाती है। धन्य है यह अप्रतिहत दशा। એક પુદ્ગલને જોઈ
चिंतन सायं 7 से 8। चिंतवन में पूज्य माताजी को पूर्णता की भावना होती है। ऐसा अपूर्व अवसर आवे जब शाश्वत आत्मा में ही रहें, मुनि होकर अंतर में ही रहें, केवल ज्ञान प्रकट हो, परमार्थ का ही मनन रहे। प्रभु दर्शन रात्रि 8 से 9। सायंकाल सीमंदर भगवान के मंगल दर्शन करके आत्मानंद प्राप्त करती हैं। उस समय आप श्री की परिणति कुछ अलौकिक ही है। आपकी प्रशांत मुद्रा आश्चर्यकारी लगती है। प्रभु दर्शन करते करते अंतर में ही उतर जाना, यही आपका जीवन है। स्वाध्याय रात्रि 9 से 11। केवल ज्ञान दर्शन केवल दर्शन तुझ ज्ञान ध्यान लो रंग अम आदर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो मना जंगल में हो रे मन में हो रे दस रुपए भूमि लक्ष्मी वास्ते करीबते बंदने इनोते कोई मन ने केवल ज्ञान थे कोई मन ने कहा सुंदियो तक के वो बोल रहे थे देवा काले मन ने बंदर अंदर उग्रे परिणति उग्र है उसर परिणति ना हो कर ना रोग ना काले ये बदर अंदर आ गए उसर परिणति में जाए उसर परिणति बदर है उग्र मारी झुपड़े गुरु प्यारे पधारे प्यारे पधारे मारो जन्म सुधारे रे प्यारे पधारे मारी झुपड़े कितने ही फुर्सत के क्षण रात्रि में अपने उपकारी जिनेंद्र भगवान और गुरुदेव के दर्शन वीडियो कैसेट के माध्यम द्वारा। प्रार्थना ध्यान रात 11 से 12। संत
प्रशम मूर्ति भगवती माता, हमारे जीवन प्राण तेजस्वी धर्म रत्न, आपके अध्यात्म रस पूर्ण जीवन का तथा अनुपम उपकारों का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं, तथापि भक्ति भाव प्रदर्शित करने का यह नम्र प्रयास है। आप श्री की आत्म साधना को आदर्श बनाकर दृष्टि के सन्मुख रखकर आपके जीवन में से प्रेरणा प्राप्त कर हमारा आत्मार्थ साध सकें, ऐसी अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना।